अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस स्टार्टअप। जो हम स्टार्टअप अपनी मेहंदी में सबसे पहले यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन में, उस आज उसको सीखेंगे किस किस तरीके से लगा सकते हैं, किस किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। और आज हम डिफरेंट स्टाइल के 5-6 डिज़ाइन इस तरीके के देखेंगे। मैंने सिंपल लाइन्स बनाई है, देन उसके ऊपर एक फ्लावर बनाऊंगी। जो नॉर्मल फ्लावर होगा उसी को आप उसकी जो पेटल्स हैं किस तरीके की बना सकते हैं। मैंने सिंपल पेटल्स बनाई हैं इधर, और उसके साथ ही उस पर हम्स बना दिए हैं, 2-3 लेयर उसकी दी हैं, फिर पेटल्स बनाई हैं, अगेन हम्स बनाए हैं, और उसके ऊपर थोड़ी मोटी लेयर हम्स की दी है। देन उसके ऊपर छोटे छोटे फूल बना देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे फूल, और पूरे फूल पे बना देंगे। हमारा स्टार्टअप होगा। अगर हम कोई डिज़ाइन स्टार्ट करने होंगे तो हम स्टार्ट में ये लगा के देन नीचे अपना कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो यहाँ जब हम स्टार्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और इस पर हम ऊपर कोई भी कट दे सकते हैं, कोई भी अपने फ्लावर दे सकते हैं और डॉट्स लगा दें। ये हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है फर्स्ट। इसमें देखें वही सिंपल सिंपल चीज़ें यूज़ हुई हैं, और डिफरेंट तरीके से हमने यूज़ करा है। जैसे कि हमने रिज डिज़ाइन देखे थे, इस तरीके से स्टार्टअप रिज डिज़ाइन ज़्यादातर हम बनाते हैं अपने बंचेज में। देन स्टार्टअप हम बनाते हैं बड़े बड़े डिज़ाइंस में, ब्राइडल डिज़ाइन हो या पार्टी डिज़ाइन हो या एक्चुअल कोई भी डिज़ाइन हो, ये सब में चलता है। सही, इसमें हमने सेकंड वन यूज़ करा है, इसमें भी सेम थिंग की है। इसमें भी बीच में फ्लावर बनाऊंगा, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में होगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इसलिए होगा कि आपको आइडियाज़ हों, देन यू प्रैक्टिस, ताकि आपको और अच्छे से आए और थोड़े आइडियाज़ भी हों कि हम कैसे लगा सकते हैं। इधर मैंने 2 तरीके की पेटल्स दी हैं अराउंड इसके, और फिर मैंने केरी बनाई है उसके में दोनों तरफ से सेम, और एंटी क्लॉकवाइज की केरी बनाई है दोनों की, और इस पर हमने लेयर दे दी है वो दोनों ऊपर थोड़ी उस चाहिए, और उसके ऊपर हाईलाइट कर दिए उसके एजेस को। देन हम उसमें फिलिंग कर देंगे, आप कोई सी फिलिंग कर सकते हैं, हंस की फिलिंग कर सकते हैं, या फूल की फिलिंग कर सकते हैं, या और भी जो फिलिंग्स हमने देखी हैं उसकी चेक की फिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हंस की कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा भरा भरा लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर चाइल्ड बड़े हैवी डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। देन हम ये यूज़ आराम से कर सकते हैं किसी भी हैवी डिज़ाइन में। मैंने फिलिंग कर दी है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया। अगर हम नीचे हैं तो नीचे भी हंस बना लें उसकी डबल लेयर। फिर मैंने थोड़े बड़े राउंड्स बनाए, देन उसके साथ एक लेयर बनाई है थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट, देन उसे फिल कर दिया है जो बीच में जगह थी। ये हमारा स्टार्टअप मेहंदी स्टार्ट हो गई है, यानी कि आप मेहंदी के डिज़ाइन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आर्म पे भी बना सकते हैं, ये हैंड पे भी बना सकते हैं, सही है। और इसमें डिफरेंट अपनी भी कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं थोड़े थोड़े आइडियाज़ लेके। देन हम थर्ड वन यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम सेम थिंग यूज़ करेंगे, हम बनाएंगे हम सबने सब डिज़ाइन में इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें हमारी जो बिल्कुल बारीक और काशिश मेहंदी है वो इन्हेंस होती है। ज़्यादातर मेहंदी बारीक इसी से लगती है। इस पर मैंने थोड़े राउंड दिए हैं बीच में, देन हम बनाएंगे थोड़ी जो हम पहले फ्रेम बनाते हैं मेहंदी से, लाइट मेहंदी से, देन उसको जो उसके इनर एजेस होते हैं और आउटर एजेस को फिल कर देते हैं। तो ये अरबिक मेहंदी में यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर अरबिक मेहंदी में, या मोटी मेहंदी होती है उनमें यूज़ होते हैं। देन मैंने इसके पहले इसकी फ्रेम बनाई, देन जिसकी आउटर लेयर थी उसको भी हाईलाइट कर दिया, और इसकी जो इनर लेयर है जो जगह बीच में है नीचे है उसको भी हाईलाइट कर दिया। देखें हाईलाइट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने डिज़ाइन में। देन हम थर्ड वन यूज़ करेंगे, इसमें मैं सिंपल फूल बनाऊंगी, राउंड वाला फूल बनाऊंगी जो कि नॉर्मल है। उसके सराउंडिंग में भी 2 फूल बनाऊंगी, एक इसके ऊपर और एक नीचे, ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक में आज जो भी हमने स्टार्टअप डिज़ाइन देखे हैं वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया, तो अभी हम थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। उसके साथ हम पेटल्स बना देंगे, पत्तियाँ बनाएंगे, लीफ की स्टाइल में बनाएंगे, दोनों तरफ बनाएंगे, जो जो जगह खाली होगी उस तरफ भी बना देंगे। ये देखें हमने ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब जो इसकी साइड में जगह होगी, हमारे पास जगह कम थी, तो आपको छोटी लाइंस देखेंगे, जितना आपके आर्म हो या आपके हैंड हो उसके साइड में आप लाइंस दे सकते हैं। पहले मैं इसमें सब फिलिंग वगैरह करूँ, देन मैं लाइन दूंगी। देखें अब मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ, उसे पत्ते जैसी फिलिंग हो रही है, और उसमें फिलिंग सेम करने के बाद जो उसकी पेटल्स हैं उसमें भी फिलिंग करना है सेम, सिर्फ फिल करना है स्केचेस वाले लाइट हाथ से करें ताकि आपकी मेहंदी मिक्सअप ना हो। ये करने के बाद हम फिलिंग करने के बाद फिर जो स्ट्रेट लाइन्स लेंगे दोनों तरफ देखेंगे, और फिर स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। हम अपने आर्म पे यूज़ करते हैं, किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इन है आजकल, सही है। ये एक डिज़ाइन बन गया है, दोनों तरफ से इस इक्वल लाइंस हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, देन मैंने थोड़ी छोटी लाइन बना दी, मगर आपकी दोनों तरफ से इक्वल लाइंस हैं। इधर मैं एक फूल लूँगी बीच में, और उसके ऊपर हम्स बना दूँगी, और हम्स बनाने के बाद मैं बीच में से मिडिल सेक्शन लूँगी। देखें हम ये हम्स बन गए, अब देखें मिडिल सेक्शन लूँगी और हल्की हल्की से ड्रॉ कर लूँगी एक
लाइन, देन उसके बाद हम उसकी जो जगह है उस पर हम वैसी फ्रेम बनाएंगे जैसे प्रीवियस में बनाया हमने, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट बनाया था, इसमें कर्व में बना रहे हैं। पूरा फ्रेम बनाने के बाद उसके इनर और आउटर एजेस को हाईलाइट कर देंगे, देन तो उसकी जो है थोड़ी ये अरबिक मेहंदी का स्टाइल लगेगा। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या सेम जो हमने लाइट हाथ से बनाया था उसको भी डार्क करके दो तीन लेयर देके ये भी स्टार्टअप यूज़ हो सकता है। अब मैंने ये यूज़ कर लिया, इसको मैंने फिल कर दिया है ऑलमोस्ट। जैसे ये फिल होगा तो ये डिफरेंट लुक देगा। ये लेकिन सब डिफरेंट तरीके के अलग अलग चीज़ें यूज़ करके ये अलग अलग आइडियाज़ से हमने ये पांच अपनी जो स्टार्टअप्स हैं यूज़ किए हैं। या आप किसी भी मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर ब्राइडल मेहंदी या पार्टी मेहंदी में यूज़ होते हैं, या आप किसी आप बंचेस लगा रहे हैं उसमें अगर आपको हैवी रिस्ट देनी है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं आप अपनी। और लेकिन बीच में आपको सबसे पहले लाइन बनानी है, नहीं उसमें सबसे पहले मिड देखना है, मिड के बाद आपको वी बनाना है आपने, उसके बाद सेकेंड और थर्ड लेयर लेनी है आपके, ए आप बनाएं कितनी भी लेयर ले सकते हैं। मैंने लेयर्स ली हैं, देन उसके बाद जो लेयर्स थी मेरी वो बीच की लेयर को हाईलाइट करा है तो उसमें फिलिंग कर दी है उसी मेहंदी से। ये फिल हो गया है, ये मेहंदी फिल हो गई है, और इसके ऊपर में आर्म बनाए हैं। इसकी लेयर लेने के बाद बीच में आप कोई भी केरी वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल कर्व दूंगी और उसके ऊपर राउंड वाले राउंड्स बना दूंगी जिनमें इनर डॉट्स होता है। ये वाले राउंड बनाए वो पहले सिंपल वाले बनाए थे, डिफरेंट लुक आ जाएगा। अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, अंदर हम मैंने डिफरेंट सेक्शन करने के बाद फिलिंग करें या फिर ऐसे ही फिलिंग करें ये आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने पहले सेक्शन किए हैं और दो तरीके की फिलिंग की है, आप कोई भी फिलिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, हम की भी या डिफरेंट सिर्फ कर्व की भी। सही है, ये देखें ऑलमोस्ट ये हो गया है हमारा आज तक की नीयत नहीं। ये देखें लास्ट है, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।